अभी 25 दिसंबर आने वाली है, इतने गद्दार हैं हिंदू कि ठाकुर जी को भी सांता क्लॉज बना देते हैं लाल कपड़े पहना करके। ये भी 25% में ही आते हैं, ठाकुर जी को भी सांता बनाते हैं। कमाल है यार, तुम्हारे भगवान शिव पर कोई उधर से कभी आया कोई जल चढ़ाने दूध चढ़ाने आज तक? और तुम अपने घरों में क्रिसमस का ट्री लगा करके, हां अगर क्रिसमस के ट्री से तुम्हें ऑक्सीजन मिलती है तो अब की बार चार चार सजाना, अगर उसका कोई लाभ है कोई फायदा है तो तुम चार चार सजाना, नहीं तो चुपचाप क्रिसमस वाले दिन तुलसी जी का पूजन करना, तुलसी जी की आरती उतारना जो सदा हमें जीवन देती है, जो हमें ठाकुर जी से मिलाती है, जिसके साथ हमारा अध्यात्म पूर्ण होता है, हम उसकी पूजा करेंगे। वो प्लास्टिक के पेड़ की पूजा नहीं करनी है हमको, इतनी जीवंत संस्कृति हो जिनकी, और वो उधार की संस्कृति में जीवे, ये कितनी शर्म की बात है। और खेद आता है जिस दिन हमारा ये देश, हमारे देश का ये हिंदू क्रिसमस की धूम में डूबा होता है, जश्न में डूबा होता है, ये वही दिन है जब चारों साहिबजादे शहीद हुए थे। इन्हीं ये 21-22 से लेकर के 27 दिसंबर तक का, 28 दिसंबर तक का ही समय था शायद, छोटे छोटे बच्चे दो युद्ध में शहीद हो गए, दो दीवार में चिन दिए गए। और जिस कौम ने इतनी शहीदी प्राप्त की हो वो कौम क्रिसमस का जश्न मनाए, मेरा ख्याल डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को, जिनके ऊपर इन दिनों में इतना अत्याचार हुआ हो। छोटे छोटे हमारे बच्चे मार दिए गए बेरहमी के साथ, और हम उन दिनों में उन बच्चों को ना याद करते हुए और क्रिसमस का जश्न मनावें, इससे बड़ी गद्दारी देश के साथ धर्म के साथ और क्या हो सकती है। तो मेरी प्रार्थना है अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में प्रचार करो, और जिसने भी अगर हमारे ग्रुप किसी में किसी का सांता वाले दिन कोई ठाकुर जी का या ऐसा वैसा संदेश आ गया, हम तो उसको परमानेंट ब्लॉक करेंगे जी। वो हमारे हमारी चैट से तो वो परमानेंट ब्लॉक है, और हमारे जितने संगी साथी हैं, और आप भी संकल्प लो, कह दो कि अगर ऐसी गुस्ताखी करी तो हमारा जिस जो देश का नहीं, जो हमारी संस्कृति सभ्यता का नहीं, वो हमारे हमारा गद्दार है और कुछ नहीं, हमारा उससे भी कोई संबंध नहीं है। आज समय है।